संडे के दिन इस लड़की ने शुरुआत की है घर की सफाई करके, टाइम पास हो रहा है अपने ही ब्लॉग देख के। ये तो वो वाला मीम हो गया अपने आप को, ये अवार्ड प्रेजेंट वो जोरावर नहीं उस दिन किया हुआ था, कैन यू एक्सीडेंटली लाइक योर ओन पोस्ट, वी वॉच आवर ओन व्यू। हम अपने 41 व्यूज से ही खुश हैं। तो प्लीज अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमने बनाया है एक इमरजेंसी बैग, आज के दिन में मैंने ये सब काम किया है, हर एक चीज जो इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सकती है, कपड़ों से लेके कुछ खाने पीने का सामान, कोई सेफ्टी पिन, एक इमरजेंसी बैग बनाया जो मैं अभी नीचे रखने जा रहा हूँ। चीज एक बड़ी काम आती है, कभी गाड़ी में हवा कम होना तो ये एटलीस्ट नियरेस्ट पंप तक तो पहुंचा ही देता है। उसके अलावा मैंने एक गाड़ी में ये रखा हुआ है क्लैंप जो मैंने आज तक यूज नहीं किया, पता नहीं कब करूंगा बट रखा जरूर है। एक दिन हम दोनों से घर पे तो बैठा नहीं जाता है तो हम निकल चुके हैं, सोच रहे हैं कि एक पार्क में चलते हैं, थोड़ी वॉक वगैरह कर लेंगे। वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। हमने थोड़े से पीछे एक बैग में दो फ्रूट, थोड़ा सा सुबह का बचा हुआ पोहा, एक योगर्ट ले लिया और अब इधर एक पार्क है, सोच रहे पार्क में एटलीस्ट एक राउंड तो लगा ही लें। तो अभी हम आए ताऊ देवीलाल पार्क में, 1 किलोमीटर का इसका राउंड है, सोच रहे हैं आज संडे के दिन एक राउंड तो लगा ले, और अगर हमारी हेल्थ बहुत तो 2 राउंड लगा लेंगे, 2 किलोमीटर कर लेंगे फिर वो वॉक हम। तो अच्छा पार्क है, अभी आपको पार्क की शक्ल दिखाते हैं। हमें बड़ी अच्छी सी जगह मिली है, हम अपने फोन की जरा कैमरा टेस्टिंग करने लगे हैं। हमारी मॉडल जेशी मान से आप मिलिए, इनकी फोटोज अभी यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। चलो 2.5 राउंड के बाद, जो बहुत कम होते हैं, हम कुछ पिकनिक करने जा रहे हैं, अपने छोटा सा थोड़ा सा सामान लेने लेके। चंडीगढ़ की याद आ गया, चंडीगढ़ में तो एक कल्चर होता है एवरी संडे सब अपना खाना बना के। ओहो इधर तो बहुत भीड़ है, ये ज़्यादा भीड़ वाला भाई भाई, हमें थोड़े से 2 लोगों की जगह चाहिए यार। बहुत अच्छी धूप भी है और ऐसे लग रहा है किचन गार्डनिंग हुई हुई है। ओहो चलो ये साफ जगह, ये साफ है, ये कहाँ चंडीगढ़ के पार्क। चलो गुड़गांव में कुछ तो मिला हमें, एक वैसे फूल भी, लोग सो रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम अपना पिटारा खोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ खिलाई नहीं है। हाँ लास्ट मैजिकल हैट में से क्या क्या निकल रहा है, पानी पोहा, सुबह वाला पोहा, बनाना, योगर्ट, अरे चल एक एक, चलो हेल्दी है। कैसा लग रहा है सर धूप में बैठ के पोहा खा के, वॉक करके? 1 महीना पहले आते धूप ज्यादा अच्छी लगती, अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग धूप लग रही है, जब आए भी दोपहर के 3-4 बजे। हाँ बट सी हाउ वी आर, बट एनीवेज छोटी पिकनिक। कल से ये लड़की गहराइयां में लगी हुई है। गेम याद है किसी को, तुम नहीं खेलते थे, फॉक्स इन द बोन है ना, आके भाग के जाना होता था। अभी ना हम वो येलो जैकेट चेंज करवाने आए थे, थोड़ा सा हमें वो हो गया था डाइसी की येलो को, ज़्यादा तो नहीं येलो हो गई, तो यहाँ पे आके हमने 2-3 और ट्राई की, लेकिन यार पहली बारी में ना येलो मुझे पसंद आ गई थी तो मैं रख ही रहा हूँ। अभी जेसी गई हुई अपनी शॉपिंग करने और मेरे को मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ। थकी हारी आज भी नहीं मिला तेरे को कुछ, फिर अब कुछ तो ले ले यार, जैकेट्स ले ले यहाँ से यार, लड़कियों को पसंद ही नहीं आता यार, लड़के ना पहली बारी में ही हाँ भाई हाँ तू। वैलेंटाइंस डे के उप क्या बोलते हैं, उप 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 लक्ष उपलक्ष वैलेंटाइंस डे व्यवहार नहीं त्योहार त्योहार वैलेंटाइन डे के उपलक्ष पे, वैलेंटाइन डे के उपलक्ष पे मेरी बीवी ज्यादा प्यार नुछावर कर रही है मेरे पे। आज एक और चीज उसने मेरे को दिलाई है, आई शो यू
जो मुझको इतनी कम थोड़ी पसंद आई है, बट वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये चीज मेरे पे इतनी अच्छी लगेगी, ये तो मैं आपको पहन के नहीं दिखाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। आप बताइए ये चीज मेरे पे कैसी लगेगी, ये थोड़ी मोटी वाली कपड़े वाली है, वो कॉटराइज होता है क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे कपड़ों को, इट्स कॉल्ड एन ओवरशर्ट। सो आई बॉट एन ओवरशर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द कहना ऑफ माय बीवी, सो आई विल वेयर दिस समडे एंड शो यू, बट आई एम डाइसी अबाउट दिस। एंड द सेकंड थिंग, द येलो जैकेट जो मैंने आपको कल दिखाई थी, हम इस पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, गए थे वापस वहां जाके ग्रीन ऑरेंज सब ट्राई किया, लेकिन दिल येलो पे आया हुआ था, तो ये तो मैंने रख ली। अगर आपको संडे जाते हुए दुख हो रहा हो और आपको मंडे के आने की खुशी ना हो, तो एक बस प्लेट मोमोज खा लो, सब बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी, अगला हफ्ता भी निकाल लेंगे। पर ये देखिए, हमेशा मेरी जैकेट चोरी करने वाली लड़की, मैम स्किल्स दिखाइए अपने। भाई साहब, मैं ना मिशन साहब नहीं, आप किसी ढाबे में काम करते थे पहले, जिसमें आपको प्याज काटने की ड्यूटी दी गई थी। लोग घर भी बताते हैं प्याज कटाने के लिए। तो गाइस, आज का दिन खत्म होता है और हम अपना ब्लॉग कर रहे हैं खत्म, एंड हम नेटफ्लिक्स पे देखने वाले हैं लव लूट लपेटा, लूट लपेटा, लूट लपेटा, लूट लपेटा, जान से करिए, लूट लपेटा, लूट, लूट लपेटा, लूट। जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, आपसे मिलते हैं हम कम, आपसे मिलते हैं हम कल, कल मंडे है तो इसलिए जरा हिम्मत जुटाइए, सुबह आप ये 9 बजे व्लॉग देखेंगे, और कल वैलेंटाइंस डे, और कल वैलेंटाइंस डे है, तो प्लीज जैसे मैंने इतना अच्छा वैलेंटाइन वीक मनाया, आप प्लीज कुछ सीख लीजिए। अच्छा, और अच्छा असलियतें बताओ। ओके बाय, बाय बाय बाय।